फरुखाबाद वाली हमारी कहानी सुनी है, टेबुल वाली, जैसी करनी वैसी भरनी। गीता में गोविंद कहते हैं, ना भुक्तम चियते कर्मा जन्म कोट सतैरपि अवश्यम ए भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा कर्म करो, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। बेटा है, उसके कोई पुत्र नहीं था, पत्नी अपनी पीहर जाती है, तो एक दिन उसने कहा मैं अपनी पत्नी को लेने जाएंगे। मैया ने कहा बेटा घर में कोई बालक भी नहीं है और हमारा समय पास नहीं हो रहा, बहू को लेके आओ। तो वो बेटा अपनी पत्नी को लेने जब ससुराल में गया, सारी रात हो गई, नींद नहीं आई, रोता रहा रोता रहा। पत्नी पूछने लगी, महाराज क्यों रो रही है आप, अरे क्या कारण है? तो कहने लगे, क्या बताऊं, एक पुत्र के बिना सब कुछ भी होना है। सारी रात दोनों पत्नी रोते रहे। सुबह हुआ, माँ से विदा लिया, पिता से विदा लिया। पत्नी ने कहा, महाराज हम आपके साथ चलते हैं। और उसी समय देखा कि चलते वक्त अशगुन हुई, तो मैया ने रोका और पिता ने भी रोका, बेटा अशगुन हो रही है, आप मत जाओ। पर बंधुओ, होनी जो होती है वो होके रहती है, ध्यान रखना। प्यारे लिखा है कितने अशगुन होते हैं। बेटा को खाली घड़ा भी नजर आए पर वो नहीं माना। मैया ने कहा रुक जाओ बेटा, कल चले जाना है, रुक जाओ। पर कहने लगा, नहीं नहीं माँ, मेरी मैया अकेली घर में है और कोई नहीं है, और मैया मेरी प्रतीक्षा में बैठी होगी, रो रही होगी, हमें जाने दो। सुन हो रहा है, भैया विदा होते होते शाम हो गई और मैया ने भी रोका। सब ग्रामवासियों ने देखा, इतने अशगुन हो रही है, नहीं रुक रहा है। बड़ी सब लोगों ने रोकने की इच्छा की पर नहीं रुके। अपनी पत्नी को लेकर, उस रेखा पत्नी को लेकर के चलता जा रहा नैमशीन। और भैया स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन में जब दोनों बैठ गए, दोनों आपस में बड़े दुखी थे। और कहा है विद्वानों ने कि पत्नी यदि कहते हैं या तो शादी हो ना, और यदि शादी हो जाए बेटी की, फिर उसके यदि पुत्र नहीं होता तो उसका जीवन बर्बाद होता है, ध्यान रखना। यदि संतान नहीं है भला भूला बिना
बिना दोनों को इतना दुख है भैया, दोनों ट्रेन में रोते हुए जा रहे हैं। अब देखो जहां उतरना था अंधेरी रात, नहीं उतर पाए, दूसरी जगह ट्रेन रुकी है, तो दोनों एकदम से हड़बड़ा के उतर पड़े। और जैसे ट्रेन वहां से छूटी तो अंधेरा हो गया। पत्नी ने देखा तो कहने लगी, महाराज हमें लग रहा कि हम लोग रास्ता भूल गए, मुझे लग रहा है कि हम लोग जहां उतरना वहां नहीं दूसरी जगह उतर गए। तो उसी समय नेम सिंह ने कहा, देवी ये तो सत्य बात है, पर अब इतनी रात्रि के समय हम लोग कहां जाएंगे। सो दूर देखा एक टेबल था, उस पर बल्ब जल रहा है। उस लड़के ने कहा, देवी चलो हम दोनों वहीं चलते हैं, कोई होगा भैया उसके आश्रय में रात भर व्यतीत करेंगे और सुबह हम लोग घर चलेंगे। अब मैया तो इंतजार कर ही रही होगी, पर दोनों दुखी होकर के उस कुटिया में जाकर पहुंचे तो वहां टेबल है और टेबल पे दद्दा सो रही है। उसने जाकर के कहा, पिताजी हमें अपने पास एक रात रोक लो, सुबह होगा हम घर चले जाएंगे, हम बाहर से आए परदेसी हैं। बुड्ढे ने कहा, बेटा यहाँ तो कोई जगह नहीं है। पर जैसे ही बेटी को देखा कि वो सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, तो बुड्ढे को लालच आ गया और लालच बुरी बला है। लालच आ गया, सोचने लगे इसको रोक लेंगे तो उसका धनमाल ले लेंगे हम। सो रोक लिया और दोनों को अंदर कमरे में बैठा लिया। और बुड्ढे ने सोचा, क्या करूं, बच्चे सो रहे घर में। और बुड्ढे ने ऐसी चालाकी की कि लड़का लड़की अंदर हुए और कह दिया, बेटा तुम सो जाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निसंकोच सो जाओ और सुबह आराम से आप जाना, आपके लिए पिता तुल्य हम। अब बाहर से कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया। और घर पहुंचे बुड्ढे और अपनी पत्नी से जाए कि कहीं बेटा कहाँ है। पत्नी बोली, क्या बात महाराज, इतनी रात्रि के समय तुम यहाँ क्यों। बुड्ढे ने कहा, तू तो बेवकूफ है, जिंदगी भर ऐसी रहेगी, घर बैठे लक्ष्मी आ गई, कहाँ है बच्चे, हाँ जल्दी उन्हें जगा। मैया समझ गई, माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है, माँ के हृदय की वेदना माँ जानती है। मैया ने कही, महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है, कोई परदेसी यदि आपकी शरण में आया है तो उसके साथ विश्वासघात मत करना। पर बुड्ढे नहीं माने, डोकरी में तो ढकेला दिया और ढकेला दे के बच्चों को जगाया और रात में लेकर के पहुंचे, ध्यान रखना। और जहां वे दोनों अंदर थे, कुंडी खटका रहे, अरे पिताजी कुंडी खोलो, पिताजी कुंडी खोलो, बच्चों को छुपा दिया। उसके बाद बुड्ढे ने जाके कुंडी खोली और बुड्ढे रोने लगे, बेटा मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आज दुनिया के कोई लोग हमारी मदद भी नहीं कर रहे हैं। और यूं रोए हैं कि उस बेटे को पूर्ण विश्वास हो गया, बेटा हमारे कोई पुत्र नहीं। बेटा ने सोचा कि हमारे भी पुत्र नहीं है, और पुत्र का शोक क्या होता है, पुत्र नहीं तो हमें कितना दुख, ये हम जानते हैं। कोई बात नहीं पिताजी, आपको करना क्या ये बताओ। बोले, हमारा खेत सूख रहा है, फसल सूख रही है, हमारा पानी लगवा दो। बेटा बोला, अरे पिताजी कैसी बात करते हो। और पत्नी ने भी कहा, महाराज चले जाओ, अपना दुख ऐसे, इनका दुख, जाओ इनका पानी लगवा दो। बोले, तो आप कुंडी लगा के अंदर हो जाओ, हम जा रहे। बुड्ढे के साथ में लड़का चला। और ध्यान रखना, जहां खांद उसको काटना था, बुड्ढे ने कहा, बेटा इसी खांद को खोल दो और इसमें पानी लगना खेत में। खोलने लगा खेत, और जब खांद को काटने लगा है तो क्या किया, जैसे ही लड़का नीचे झुक के खान को काटने लगा
कि बुड्ढे ने गर्दन पर फावड़ा चला दिया। अब फावड़ा चलाया उस लड़के ने कहा पिताजी क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं बेटा, अरे धोखे से छूट गया। अच्छा आप दोबारा काटिए इसको। कुछ नहीं धोखे से, मैं भी सोच रहा था तुम्हारी मदद कर दूं पर ये फावड़ा तुम्हारी घर में धोकर से लग गया। अच्छा आप दोबारा काटो। लड़का तो नहीं झुक गया, उसको नहीं मालूम है कि ये कितना बड़ा बेदर्दी है। फिर से फावड़ा चलाया बुड्ढे ने, ये तो हमें मारने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा फावड़ा चलाया, फिर चलाया, लड़का तुरंत खड़ा हो गया, फावड़ा पकड़ के फेंक दिया, एक धक्का दिया बुड्ढे जाके उस पार। डोकर ने आवाज लगाई, अरे खड़े खड़े क्या मेरा मुंह ताक रहे हो, जल्दी आओ, अरे जेवर लेना है और इसको तब तक सवेरा हो जाएगा, इसको पकड़ लो मार दो। तो चारों तरफ से सब दौड़ पड़े और उस बेटे पर तीन पुत्र और चौथे डोकर सब ने हमला कर दिया। कहते हैं वो बेटा लड़ता रहा लड़ता रहा, आवाज लगा दी वही से तीनों
ने जब हमला किया है, बुड्ढे ने साथ में फावड़ा जब चलाया और लड़के को जब काटने लगे तो उसने मरते मरते भी आवाज लगा दी, अरे तुम भाग जाओ कुंडी खोल के, और दुश्मनों ने मुझे मार दिया, तुम भाग जाओ। और पत्नी ने जैसे सुना है प्यारे, जिसके जीवन में कली भी ना खिली हो और प्राणेश्वर चल दिए हो, उस मैया से पूछिए, आज वो बिल बिलाती हुई वही पहुंची खेतों में जाकर, जहां पति की लाश पड़ी थी तो फूट फूट के रोने लगी, अरे पापियों तुमको धन चाहिए था तो मुझे बोल देते, मैं तुम्हें धन दे देती, ये सारा जेवरात मैं तुम्हें अर्पण कर देती, पर मेरे पति की जान क्यों ले ली। अरे दुष्टो, पति की लाश पर नाना भांति विलाप कर रही इस सजना बिलाप करती है पिया की लाश पर, दुश्मनों ने देखा पकड़ ले, पर कहते हैं जब उसने जान लिया कि दुश्मनों के हाथ में भी आ जाऊंगी, तो किसी कारण बस बुड्ढे ने तो कहा पकड़ लो जेवर ले लो, पर लड़की भाग पड़ी और भाग के वही कमरे में पहुंची, अंदर से कुंडी लगा ली। मेरे बंधु को ध्यान रखना, और कुंडी लगाने के बाद में बुड्ढे ने लड़कों से कहा, सवेरा हुआ जा रहा है, जो षड्यंत्र रचा लड़का भी मर गया, जेवर भी हाथ नहीं आया, है क्या करोगे, अरे जल्दी जाओ इसकी छत तोड़ दो। सो एक लड़का जो था छत पे चढ़ाया, और एक रोशनदान था, उससे कहा तुम इसमें घुसो और इससे घुस के कुंडी खोलो।
तो लड़का जब अंदर घुसने लगा तो ध्यान रखना ये अबला है तो सबला भी बन जाती है। हाँ, तो उस माँ ने देखा, उस बेटी ने देखा कि अब तो मरने से ज्यादा होगा क्या, पति तो जा ही चुके हैं, हमारा जीवन तो वैसे भी नष्ट है, अब मैं क्या करूंगी। तो केस खुले हैं और वो बिलबिला रही है, और एक फावड़ा रखा था उस कमरे में, तो उसने उस बेटा की गर्दन पर चला दिया, धड़ाम से उसकी मृत्यु हो गई। बुड्ढे ने देखा कि ये कुछ कर ही नहीं रहा, अंदर धकेल रहे उसको, जब हाथों में रक्त आया, अरे मुझे लग रहा है बेटा तो मर गया, और बेटों से कहा जाओ उसकी छत तोड़ दो, उसने तो बेटा भी मार दिया। ऊपर पड़े थे विद्युत तार, और विद्युत तारों में जैसे ही फावड़ा लगा कि करंट लगा, दोनों मर गए, खेत में जाकर के दूर गिरे। और बुड्ढे जो थे उन्होंने सोचा कि अब हम ही ले जेवर, हम ही बचे हैं, तो वो भी जिस समय चले गए। बंधुओं, सुबह जब तक हुआ, उस बेटी ने जैसे ही कुंडी खोली तो बुड्ढे जो थे अंधेरे में नहीं कुछ दिखाई दिया, वो कुआं में गिर पड़े। सवेरा हुआ, सब आए इकट्ठे हुए, पुलिस फोर्स, और उस लड़की की जो सासू माँ थी उसने जब सुना कि मेरा बेटा मृत्यु को पधार चुका है। मेरे बंधु, जिसके जीवन में एक डाली हो उस माँ को पूछिए। मैया आई और बेहोश हो गई, पत्नी ने देखा और गले में बइया डाल के माँ को जब सांत्वना आई है, पूछने लगी बेटी क्या हुआ, गले में बइया डाल के रोने लगी, माँ अब कहाँ जाऊँ मैया, अब कहाँ जाऊँ, अब कोई कहाँ बताई दी सासुलिया मेरी, हुई रही हूँ कजिगर में, अब कोई कहाँ बताई दी सासुलिया मेरी, हुई रही हूँ कजिगर में, रखना। अब देखो, मैंने हम सच बता रहे, मुझे याद नहीं, बिल्कुल भूले हुए हैं इस समय, अगर कभी सुननी हो तो पहले बताना, तो हम एक बार उसको पढ़ लेंगे, फिर ढंग से सुना देंगे कभी। तो आइए, क्योंकि जो जैसा करता है, एक बच्चे के पीछे चार की जान गई, ध्यान रखना। तो अंत में बुड्ढे को भी भैया जेल जाना पड़ा, उस बेटी का तो जीवन गया सो गया, पर बुड्ढे का सर्वनाश। इसलिए दूसरे के साथ अच्छा करो तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो। बोल गोविंद भगवान की।